गुड इवनिंग एवरीवन। तो क्या हाल चाल है मेरे जेंटलमैन कैडेट्स। देखो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री में जो आपके अभी क्वेश्चन आए थे ना एनडीए 2023 में, वहां पर आपके किस तरीके के क्वेश्चन आए थे, क्या क्या वहां पर पूछा गया था, क्या आपका सेम कॉन्सेप्ट पूछा गया था जो लास्ट टाइम पूछा गया था, या लास्ट दो तीन बार से पूछा जा रहा है। क्या पेपर का लेवल जो था वो बहुत ज्यादा टफ था कि आप लोग कर ही नहीं सकते थे, जैसे इस बार आपके सिर्फ और सिर्फ 201 मार्क्स की कट ऑफ गई है। क्या आपका जो अगला वाला है ये एनडीए 2 था, क्या इसमें भी 301 ही के करीब गई होगी कट ऑफ। तो इस सब चीज का तुमको जवाब मिलेगा। बट उससे पहले मैं तुम लोगों को बता दूं कि आप लोगों का जो अभी ये दिवाली ऑफर चल रहा है ना हमारे चैनल पे, बहुत सारे बच्चों ने बैच खरीद लिया है। बट क्योंकि उन लोगों को मैंने पहले ही बोल दिया था कि आपका ये जो ऑफर है ना यार, ये दिवाली ऑफर है, एक बार आता है साल में, तो वहां पर हम लोगों को कुछ तुमको देना था स्पेशल अपनी तरफ से। तो वी हैव गिवन यू द लोवेस्ट प्राइस, द मिनिमम प्राइस विच वी कैन अफोर्ड। तो आप लोगों के लिए सिर्फ 2499 में कंप्लीट बैच मिलेगा फास्ट ट्रैक वाला, जहां पर भी हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें फास्ट ट्रैक नाम है तो आप लोगों का बिल्कुल तेजी से चलेगा, नहीं, आपको बेसिक से पढ़ेंगे, टेंशन की बात नहीं है, उतनी ही नंबर ऑफ क्लासेस चलेंगी, बस इसमें थोड़ा सा ड्यूरेशन आपका बढ़ जाएगा। बट जो 12th वाले हैं वो कह रहे हैं भैया हम लोग मैनेज कैसे करेंगे, अगर अभी से शुरू होता तब थोड़ा सही था ना। तो यहाँ पर हम लोग आपका 2 जनवरी से ही होगा बैच स्टार्ट, बट वी आर गिविंग यू अ बिट एक्स्ट्रा थिंग, जो कि है आपका फ्री मार्शल बैच की रिकॉर्डेड क्लासेस। जितनी भी आपकी रिकॉर्डेड क्लास है ना मार्शल बैच की, जो अभी हमारा चल रहा है, उसकी सार की सार रिकॉर्डेड क्लासेस अगर तुमने वो भी देख ली ना, यू विल सेल थ्रू एनडीए। सिंपल सी बात है। तो तुम क्या कर सकते हो, जो खासकर 12th वाले हैं, ये वाला बैच परचेज कर सकते हो क्योंकि ये मिनिमम प्राइस है। बाकी तुम्हें बताऊंगा, अगर तुम मैथ्स का खरीदना पर्टिकुलरली तुम खरीद सकते हो, जेटी का खरीदना है खरीद सकते हो, हमारा ऐप डाउनलोड करोगे वहां से पता लग जाएगा, या फिर साइट से ही पता लग जाएगा, डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो अगर तुम लोग ये बैच खरीदते हो 12th वाले, तो इसके रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं मार्शल बैच की। उसके बाद जब हमारा फास्ट ट्रैक बैच स्टार्ट होगा, जितने भी तुम्हारे डाउट्स हैं वो सारे पूछ सकते हो। तो दिस इज वन सोल्यूशन। और तुमको रिकॉर्डेड क्लास के अलावा फास्ट ट्रैक बैच की लाइव क्लासेस तो मिलेंगी। तो अगर तुम्हारा कोई टॉपिक, मान लेते हैं कोई टॉपिक में तुमको ज्यादा ही दिक्कत आ रही है, तुम चुपचाप इसकी रिकॉर्डेड क्लास, तो तुमने मार्शल बैच की देख ली होगी, इसकी लाइव क्लास भी देख लेना, तुम्हारा कंप्लीट क्लियरिटी आ जाएगी कॉन्सेप्ट इसमें कोई भी टॉपिक में। तो अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो, बट ये जो प्राइस है ना, ये सिर्फ आपका 20th of November तक है। सो डू मेक श्योर कि आप उससे पहले ले लो। बाकी इंस्टॉलमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है, तो आप लोग इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हो। तो आराम से अगर आपको लेना है, मैं प्रिफर करूंगा अभी ले लो, बाकी तुम्हारी मर्जी है, बाद में थोड़ा सा ज्यादा प्राइस में मिलेगा तुमको तब भी ले सकते हो, अगर तुम्हारा है तो, अगर तुम्हें लेना है उस टाइम पे तब भी ले सकते हो। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो यार, फर्स्ट चीज जो है ट्रिग्नोमेट्री में वो है आपके फॉर्मूलाज। तो आपको ये सारे के सारे फॉर्मूलाज जितना मैंने यहाँ पर लिख रखे ना, आपको सारे के सारे फॉर्मूलाज याद करने ही करने पड़ेंगे, देयर इज नो अदर वे। इसके अलावा यहाँ पर जो वैल्यूज लिखी है ये भी आपको पढ़नी पड़ेगी, फॉर्मूलाज तो पढ़ने ही पड़ेंगे। इसके अलावा यहाँ पर मैंने इनवर्स के भी आपको दे दिया है फॉर्मूलाज, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, रेंजेस पढ़नी पड़ेगी, तो ये सारे फॉर्मूलाज पढ़ने पड़ेंगे। मेरे हिसाब से अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको ये आता होगा, बट अगर नहीं आता तो मैंने ऑलरेडी पहले ही वीडियोस बना रखी है, वो वाली आप चेकआउट कर सकते हो, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये त्रिगो इसी बार का इनवर्स का क्वेश्चन है। अब तुम्हें लग रहा होगा भैया ये पता है कितना टफ क्वेश्चन है, नहीं है भाई ये टफ क्वेश्चन, बिलीव मी नहीं। अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा ना, तुम बोलोगे भैया बस इतना आसान, पॉज करके आराम से हर एक क्वेश्चन को तुम पॉज करके ट्राई कर सकते हो। हमको ये वैल्यू दी है, अब मैंने तुम्हें बताया था जैसी आपको ये इक्वेशन दी जाती है, आपको इस इक्वेशन को सीधा सीधा सेटिस्फाई कराना होता है। यहां पर sec इनवर्स b है, यहां पर cos इनवर्स b है, कब होती है सेम वैल्यू, 45 पे वैल्यू क्या होती है, √2। तो दोनों की वैल्यू √2 पुट कर दो, आ गया 0, ये भी √2 हो जाएगा और ये भी √2, ये भी 45 हो जाएगा और ये भी 45 हो जाएगा। तो आराम से आपका आ गया 0 आ गया। अब क्या है, ये पूछ रखा है तो 1/p² + 1/q² 1/√2 का स्क्वायर 2, 1/√2 का स्क्वायर 2 आ गया आंसर, आंसर खत्म। ये होती है आपकी वैल्यू पुटिंग, पावर ऑफ वैल्यू पुटिंग यही है। अगर आपको वैल्यू पुटिंग आ गई ना, बिलीव मी आप इतना बढ़िया करके आओगे ना क्वेश्चन पेपर, आप लोग कहोगे भैया बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बहुत आसानी से हो जाते हैं, है ऐसा, ऐसा होता है। अगर आपको नहीं, आपको जानना है और कैसे क्वेश्चंस होते हैं इसके, आप लोग प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। बाकी देखो ये वाला इस बार का क्वेश्चन है, ये वाला अभी जस्ट आपका जो एक या दो बार पहले वाला है क्वेश्चन है, या तो शायद ये एनडीए 1 में आया था या एनडीए 2 में आया था लास्ट टाइम के,
अब ये वाला क्वेश्चन होगा कैसे, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, मैंने तुमको यहां पर भी बताया था, मैंने कहा था जो हमारा बाहर से होगा आपको वही अंदर भी बनाना है, सेम यहां पर भी होगा, बाहर क्या है साइन है, अंदर क्या है कॉस है, इस कॉस को मैं साइन बना लूंगा, कैसे बनाऊंगा, एक ट्राइंगल बनाओ, क्या होता है परपेंडिक, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, पाइथागोरस थ्योरम सभी को आती है, अगर मैं इसको एक्स मान लेता हूं, एक्स का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर इक्वल्स टू √17 का स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा 8, एक्स की वैल्यू √2, खत्म। अब क्या है, सब कुछ खत्म हो गया, यहां पर आप साइन में बना सकते हो, तो साइन इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन √17, अब इससे इस साइन से कट जाएगा तो 1 प्लस साइन साइन इनवर्स √2 / √17 इसका स्क्वायर, इससे कट जाएगा, बल्कि इसका नहीं ये होल का होगा स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू 1 प्लस ये हम आपका स्क्वायर करोगे 8 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, आंसर कितना आ गया, एलसीएम लो 25/17, एलसीएम लेना आता होगा मेरे हिसाब से, आ गया आंसर, कौन सा आंसर है ये, तो ये आपका है, इतना सिंपल है, सेम ऐसी ये वाला क्वेश्चन होगा, अब ये तुम लोगों के लिए होमवर्क हो गया आपका, ये वाले क्वेश्चन का कैसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ये वाला क्वेश्चन है आपका, ये वाला क्वेश्चन अब कैसे होगा, अब तुम बोलोगे भैया ऊपर तो चलो ये था डायरेक्टली, यहां पर कॉट है यहां पर कॉस है, बट ये एक्स्ट्रा आ गया ना, मैं क्या करूं इस एक्स्ट्रा का, तो तुम लोगों को तभी तो मैंने बोला है कि आपको फॉर्मूलेस पढ़ने पड़ेंगे, आप लोगों का ये वाले होता है ना टू वाले फॉर्मूलेस, यहां पर कहा गया, ये आपके सारे के सारे फॉर्मूले हैं, इसमें टू वाला फॉर्म, ये देखो जैसे ये थ्री वाला फॉर्मूला है और ये वाले आपके टू वाले फॉर्मूले, ये यूज करने पड़ेंगे वहां पर, कैसे, यहां देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तुम लोग क्या करना, इस पूरे को क्या मान लेना, थीटा मान लेना, जो अंदर वाला होता है, इस पूरे को अंदर वाले को क्या मान लेना, इसको थीटा मान लेना, तो ये क्या हो जाएगा हाफ कॉस इनवर्स √5/3 इक्वल्स टू थीटा, अब ये वाले को ऊपर डालेंगे तो कॉस इनवर्स √5/3 इक्वल्स टू 2 थीटा, अब तुम बोल रहे हो भैया इसमें तो काफी टाइम लग जाएगा ना, नहीं लगेगा, अगर आपको एक बार प्रैक्टिस करोगे तो, मैं तुम लोगों को यहां पर समझा रहा हूं, अगर मैं डायरेक्ट कर दूंगा ना आपको समझ में नहीं आएगा, तो आपको समझाना है, मैंने इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, आप लोगों को अच्छे से बता रहा हूं कि ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा, अगर मैं डायरेक्टली कर दूंगा ना तो मैं समझ में नहीं आएगा, फिर यहां पर √5/3 इक्वल्स टू cos 2 थीटा, अब आपके पास cos 2 थीटा की वैल्यू आ गई है, बाहर हमारा क्या है, बाहर हमारा कॉट है, अब आपका बाहर कॉट है, अंदर आपका क्या है, ये पूरा का पूरा झमेला है, ये जो आया है आपका, क्या करोगे आप, कॉट में बनाने की कोशिश करोगे, कैसे बनाऊंगा कॉट में, सिंपल सी बात है, आप लोगों का कॉट कैसे बन सकता है, यहां पर ऊपर फॉर्मूला होगा कैसे, अगर आपका ऊपर कॉस बन जाए नीचे साइन बन जाए, बन जाएगा कॉट, बन जाएगा कॉट, अब आपको ये वाला फॉर्मूला पता है ना cos 2 थीटा के, एक हमारा कौन सा फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin² थीटा बाई हाँ थीटा, दूसरा कौन सा होता है cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 cos² थीटा, यही होता है, यही तो होता है, और माइनस का 1 यहां पुट कर दो, क्या पुट करोगे, कॉस की जगह पे क्या कर दो, ये वाले को इधर डाल दो √2, 1 प्लस cos 2 थीटा / 2 अपॉन 1 प्लस साइन, प्लस ही होगा ना ये वाले का, नहीं यहां पर माइनस हो जाएगा, यहां पर हमारा माइनस हो जाएगा, देख लो ये फर्स्ट वाले से 1 - cos 2 थीटा / 2 और इस सब का सब किस में आएगा अंडर रूट में, क्योंकि वहां पर देखो स्क्वायर है, इससे कट गया ये 2 से कट गया 2, यहां पर वैल्यू रख दो जो आपकी आई है, क्या आई है, ये आपका कॉट थीटा क्या बन गया इक्वल्स टू अंडर रूट होल में कर देना, यहां पर 1 + √5/3 1 - √5/3 सॉल्व कर लोगे मेरे हिसाब से, क्या हो जाएगा यहां पर कॉट थीटा आपका, यहां पर हो जाएगा आपका √, एलसीएम लोगे यहां पर 3 प्लस
रूट फाइव और डिवाइडेड बाय थ्री, यहाँ पर अंडर रूट में थ्री माइनस रूट फाइव डिवाइडेड बाय थ्री, थ्री से कट गया थ्री। अब मुझे एक चीज पता है, जैसी मेरा मुझे नीचे दिखता है रूट रूट में, भाई मेरा हो जाता है दिमाग खराब, तो मैं सीधा सीधा क्या कर लेता हूँ, रेशनलाइज कर देता हूँ। कर दो इसको भी रेशनलाइज। रेशनलाइज क्या होता है, रेशनलाइज होता क्या है, आपको जस्ट अंडर रूट से बाहर कर देना है इसको। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये थ्री माइनस का रूट, ये वाले जो नीचे होता है इससे जस्ट ऑपोजिट साइन से आप लोग प्लस कर दे, वो मल्टीप्लाई कर देते हो। तो यहां पर क्या बन गया, यहां पर लिख रहा हूं ताकि तुम लोगों को दिखे, ये आप लोगों का बन जाएगा यहां पर, इसका बन जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहां अंदर बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो कितना हो गया, थ्री प्लस रूट फाइव डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया, नाइन माइनस का फाइव। तो कितना हो गया, रूट से निकाल दो बाहर, फोर हुआ रूट से बाहर निकाल दो, थ्री प्लस रूट फाइव डिवाइडेड बाय टू, टू आ गया आपका बाहर। बट कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, हमने गड़बड़ी कर दी हमने शायद से, रूट फाइव यहां पर तुम्हारा हो जाएगा रूट, एक रूट हट जाएगा और इसका स्क्वायर हो गया, यहां पर आपका ये हो गया, बाकी हाँ ये वाला भी तो टू है, दिख रहा है टू, ये भी तो टू है, तो आपको क्या हो जाएगा, ये पूरे का पूरे कॉट की वैल्यू क्या आ रही है यहां पर से, अगर तुम इस पूरे को सॉल्व करोगे टू कॉट, यहां पर हो जाएगा कॉट इनवर्स। अब यहां पर तुम्हारा ये पूरी वैल्यू आ गई, कितनी है, थ्री प्लस रूट फाइव डिवाइडेड बाय टू, इस कॉट से कॉट कट गया, टू से टू कट गया, आंसर क्या आ गया, सी वाला आ गया आंसर। समझ लो क्वेश्चन ऐसी करके बनेंगे आपके, ऐसी करके बनेंगे क्वेश्चन। अब देखो ये नेक्स्ट वाला है हलवा क्वेश्चन, बिल्कुल हलवा, जरा पॉज करके करना है इसको ट्राई एक बार। तुम लोग भी बोलोगे भैया इतना आसान, क्या करना है, जो मैंने तुम्हें अभी भी सिखाया वैल्यू पुटिंग, ये दिख रहा है पी, ये दिख रहा है क्यू, तुम लोगों को लगता है, आप लोगों को वैल्यू पुटिंग में सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका डिवाइड में कभी भी जीरो नहीं आएगा, सिंपल सी बात है, जीरो नहीं आएगा, वरना ये इनफिनाइट बन जाता है बस। तो तुम लोग ये बताओ, जो ये वाला क्वेश्चन है, क्या यहां पर मैं x की वैल्यू, अगर मेरे को कुछ भी रखनी है, मैं 45 नहीं रख दूंगा क्या, मेरे को सबसे आसान 10 में वही पड़ता है, तो p की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन 3 माइनस का 10, 135 की वैल्यू क्या होती है, हमें पता है सेकंड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू नेगेटिव होती है। तुम लोगों को मेरे हिसाब से निकालनी आती होगी, अगर नहीं आती है प्रीवियस वीडियो जरूर 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 से देख लेना। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, 135, तो tan 135 की वैल्यू क्या होती है, हम लोगों को पता है tan 180 माइनस 180 माइनस 45। अब 180 जैसी दिखेगा तो 180 का मतलब, 180 का मतलब चेंज नहीं होगा, लेकिन ये क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है माइनस का होता है 10, 45 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 1 डिवाइडेड बाय यहां पर 10 45 1 आ गया, तो आंसर कितना आ गया 1/3 माइनस 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 प्लस हो गया, तो आंसर पी का कितना आ गया, एलसीएम लोगे 4/3। वैसे क्यों का भी निकाल लेंगे हम लोग, क्यों की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस 3, अब यहां पर ये 1 आ जाएगा, 10 45 की वैल्यू 1 होती है, तो आंसर कितना आ गया माइनस का 2 आ गया। ऊपर से इसने हमको रेंज भी दे रखी थी, सिर्फ आप 45 सिर्फ आप 19 रख सकते, क्यों नहीं रख सकते, नहीं तो आपकी इनफिनिट आ जाएगी बस इसीलिए। अब आगे देख लेते हैं, इसने पूछा पी इंटू क्यू क्या होगा, निकाल नहीं सकते क्या पी इंटू क्यू, 4/3 इंटू माइनस का 2 निकाल लो, माइनस का 8/3 आ गया डी, आ गया डी। ये होती है पावर ऑफ वैल्यू पुटिंग। कितना टाइम लगा हमको समझाने में, लग गया मेरे को तुमको टाइम, वरना कोई इसमें टाइम नहीं लगता, कोई टाइम नहीं लगता वरना। अब नेक्स्ट आपका क्या है, ये मैंने इसीलिए छोड़े थे कि पेज, ताकि तुम लोगों का क्या हो जाए बहुत, अगर कोई क्वेश्चन लंबा या मेरे को कुछ चीज याद आ जाए तब मैं तुम लोगों को सिखा सकूं। अब ये वाला क्वेश्चन फिर से सेम आ गया, ये क्या था, एनडीए 2 का क्वेश्चन था जो लास्ट टाइम का,
तो मैंने यार थोड़ा बहुत एक चीज ये देखी है कि जो आपका एनडीए टू का पेपर होता है ना वो टू से ज्यादा रिलेट करता है, और जो वन का पेपर होता है ना वो थोड़ा सा वन से ज्यादा रिलेट करता है। ये देखना थोड़ा बहुत अभी ट्रेंड देखा मैंने, जैसे यहाँ पर ये वाला वाला क्वेश्चन था सेम लगभग ये वाला क्वेश्चन वहां पर आ गया, जो ऊपर वाले क्वेश्चन दिखाए थे वैसे क्वेश्चन आपके एनडीए टू में भी आ रखे हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा। तो मैं तुम लोगों को प्रेफर करूंगा जो एनडीए 1/2023 का पेपर है उस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना, और वैसे ट्रेंड क्या होता है आपका एनडीए टू का पेपर थोड़ा सा ज्यादा टफ आता है एनडीए वन से, बट पिछली बार टोटली अपोजिट हो गया। पिछली बार एनडीए वन का पेपर काफी ज्यादा टफ आ गया था एनडीए टू के कंपैरिजन से। तो ऐसा होता है, तो अगर होगा कट ऑफ आपके नीचे गिरेगी। तो आपको मिनिमम आपको कितना स्कोर करना चाहिए, मेरे हिसाब से सबको आप एटलीस्ट 100 मार्क्स तो स्कोर करना चाहिए। कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो 75 चाहते हैं सिर्फ, भाई वो तो कट ऑफ है, अगर तुम चाहोगे उतना तो आएगा कैसे। तो आपको 100+ जाना है, मैं तो बोलूंगा इवन आर्ट्स वाले भी 120+ का टारगेट करें। तुम लोगों को अगर तुम लोग मेरा बैच करते हो ना, जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया फिर हम पढ़े कहाँ से, अगर तुम बैच ज्वाइन करते हो ना यार बिलीव मी, ये चीज की टेंशन तुम छोड़ो कि तुम्हें समझ आएगा कि नहीं आएगा, वो मेरी गारंटी है तुमको समझ आएगा, ठीक है। तो उसकी टेंशन तुम लोग मत लो। बाकी अगर तुम पढ़ने को रेडी हो तभी बैच ज्वाइन करना, वरना खाली टाइम पास के लिए मत करना। अगर तुम्हारे पेरेंट्स पे ज्यादा पैसा है दान कर देना, ठीक है। यू शुड बी बेनिवेलेंट, आप लैविश हो, आप चैरिटी करते हो तो आप कर सकते हो। बेनिवेलेंट बताया था ना मैंने भी, तो बेनिवेलेंट याद रखना, शायद तुम्हारे इस बार वोकैब में आ जाए। आगे देखते हैं, ये वाले में हमसे क्या पूछ रहा था, 1/p की वैल्यू। अब देखो जब ये वाला क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम किया था मैंने तुमको क्या बोला था, कभी भी आपका ऐसा आता है वन फॉर्म, वन वैल्यू, टू वैल्यू, थ्री वैल्यू, हम लोगों को इसको कॉम्प्रोमाइज वो करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, कंप्रेस करना पड़ता है। आप लोगों को और छोटा बनाना पड़ेगा इसको। छोटा कैसे बनाओगे, इसको सॉल्व करके। मैंने तुम लोगों को यहां पर सॉल्व करके बताया था, मैंने तुम्हें बोला था तुम क्या लिखना है यहां पर, माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, और फिर ये क्या बन जाता है आपका, ये आपका उसमें बन जाएगा, ये फिर आपका क्या बन जाएगा, ये आपका कॉस 2x में बन जाएगा। तो ऐसे क्या आपका क्वेश्चन बन जाता है, तो ये वाला तुम लोग देख सकते हो। बाकी देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर तुम्हें क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन है ना, ये तुम लोगों को क्या दिख रहा है 3x, ये क्या दिख रहा है x, ये क्या दिख रहा है x। सिंपल सी बात है, आपको इसको तोड़ना पड़ेगा थोड़ा सा। तो आप 10 की वैल्यू मैंने बता रखी थी ना ऊपर, तुम लोग चेकआउट कर सकते हो क्या होती है हमारे 10 की वैल्यू, तो वहां पर से आपको तोड़ना पड़ेगा। तो क्या होती है इसकी, 3 10x माइनस 10 3x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 10 स्क्वायर x, ये होती है आपकी वैल्यू, समझ में आया, ये आपकी वैल्यू होती है। तो अगर तुम लोगों को ये वैल्यू याद होगी तभी क्वेश्चन बन पाएगा। बाकी ये आपका 10x अलग से है तो आपको 10x भी लिखना पड़ेगा, समझ में आया। अब इसके बाद क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो यहां पर 1/3 एलसीएम लो, या क्या करना है एलसीएम से पहले इसमें से 10 एक कॉमन ले लेना, ताकि हम लोगों का थोड़ा सिंपल फॉर्म में और ज्यादा बन जाए। डिवाइडेड बाय यहां पर भी 10x है और यहां पर 1 माइनस 3 10 स्क्वायर x। अब इससे ये कट गया, कट गया। अब आप एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या हो जाएगा, डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा, 1 माइनस 3 10 स्क्वायर x। मेरे हिसाब से आता होगा एलसीएम निकालना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना इन दोनों को, और फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, बस और कुछ नहीं करना होता। ये इधर डालोगे 1 माइनस 3 10 स्क्वायर x माइनस 3 की मल्टीप्लाई इससे करोगे 9 प्लस 3 10 स्क्वायर x। देखो फॉर्मूले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे तब तक काम नहीं बनेगा। इससे आपका ये कट जाएगा, ऊपर आपका अगर तुम लोग देखोगे पी की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है आपकी माइनस का 8 डिवाइडेड बाय 3 1 माइनस 3 10 स्क्वायर x। अब तुम बोलोगे भैया इससे क्या करना, अभी तो आया नहीं हमारा, इसने हमसे पूछा क्या, इसने पूछा 1/p की वैल्यू जब क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो 1/p की वैल्यू अगर आप 0 लिखते हो तो क्या हो जाएगा, इस पूरे की वैल्यू 0 करना पड़ेगा। तो नीचे लिख दो 1/8 माइनस का 3 1 माइनस 3 10 स्क्वायर x इक्वल्स टू 0। अब इसको तुम लोग ऊपर डाल दो तो यहां पर बन जाएगा 1 माइनस 3 10 स्क्वायर x इक्वल्स टू 0। बाकी सब उधर डाल दिया तो आपका साइन कोई दिक्कत नहीं है, सब 0 बन जाएगा।
इसको इधर डालेंगे तो टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1/3 आ गया, तो टेन स्क्वायर टेन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 1/√3। दिस इज द आंसर। तो कितनी वैल्यूज आई इसकी, सिर्फ और सिर्फ दो वैल्यूज। कॉन्सेप्ट आपका सिंपल है, इफ यू वर गिवन, आप लोगों को बहुत सारा एक्सपेंडेड फॉर्म दिया है, यू जस्ट हैव टू मेक इट अ सिंपल वन। आप लोगों को इसको थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, आपको सिंगल फॉर्म में लाना पड़ेगा। देखो सिंगल फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिंगल फॉर्म हमेशा जब ऐसी क्वेश्चन आएगा आपको सिंगल फॉर्म में लाना पड़ेगा। जैसे यहां लाए हम लोग, आपको नीचे भी सिंगल फॉर्म में लाना पड़ेगा। क्यों लाना पड़ेगा, ताकि आप लोगों की वैल्यूज उसके साथ सेम रह सके, वरना तुम लोग इसका आंसर नहीं निकाल पाओगे। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे भैया यहाँ पर स्क्वायर था इसमें प्लस माइनस क्यों आया। अरे तुम लोग चाहे माइनस अंडर रूट थ्री का स्क्वायर करोगे तब भी आपका 1/3 आएगा, चाहे तुम प्लस का करोगे तब भी आपका 1/3 आएगा। तो यू नेवर नो कि आपने किसकी की है, तो इसीलिए हम लोग दोनों के दोनों लिखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। ये वाला क्वेश्चन प्योरली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये मैं तुम लोगों को होमवर्क देने वाला हूँ। यहाँ देखो हमको टेन अल्फा की वैल्यू गिवन है, यहाँ पर हमको टेन बीटा की वैल्यू गिवन है, ये कॉस की गिवन है। देखो क्या हुआ, कॉस ए प्लस कॉस बी गिवन, फॉर्मूला है कंप्लीट फॉर्मूला, साइन ए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, बस खत्म। अब तुम बोलोगे भैया यहाँ पर तो इतना भयंकर चीज लिखी है ना, यहाँ पर तो आपका ये लिखा है टू बीटा लिखा है। अरे यार टू बीटा लिखा है तो क्या है, मैंने यहाँ पर तुमको बताया ना, जैसी आपको ऐसा कुछ दिखेगा तुम्हें सिंपल एक ट्राइंगल बनाना है, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लोगे रूट 50। अब यहाँ पर ये क्या है अल्फा का है, दूसरा तुम लोगों का क्या है ये बीटा का है, तो बीटा ये हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये रूट 10 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम सबको आती है, मेरा सबसे निकाल लेगा। क्या यहाँ से तुम लोग कॉस अल्फा नहीं निकाल सकते, कॉस अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाई, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है 7 और हाइपोटेन्यूज क्या है 50 आ गया। साइन किन निकाल सकता, साइन अल्फा का बिल्कुल निकाल सकता हूं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब तुम बोलोगे भैया फिर मैं 2 बीटा का कैसे करके निकालूंगा, अरे मैंने तुमको फॉर्मूला बताया है ना, एक काम करो ना, पहले तुम लोग क्या निकालो कॉस 2 बीटा की वैल्यू होगी क्या, हम लोगों को बहुत सारे फॉर्मूले पता है, सिंपल ये निकाल लो कॉस ये। अब कॉस बीटा की वैल्यू तो मैं निकाल सकता हूं ना, कॉस बीटा की क्या होगी, कॉस बीटा की क्या होगी 3/√10, यहां पुट करो आंसर आ जाएगा कॉस बीटा का। सेम ऐसी साइन 2 बीटा का क्या हो जाएगा, 2 साइन बीटा कॉस बीटा हो जाएगा, दोनों की मैं निकाल सकता हूं, यहां से कॉस बीटा निकाल दिया, अब साइन निकाल लो, साइन बीटा की वैल्यू क्या होती है 1/√10, खत्म आंसर आ गया, साइन 2 बीटा की वैल्यू आ जाएगी जब तुम यहां पर पुट करोगे। तो क्वेश्चन देखो ये वाला भी सेम था क्वेश्चन, पूरा फॉर्मूला प्योरली फॉर्मूला बेस्ड है, दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन और थोड़ा सा दिमाग, ज्यादा नहीं थोड़ा सा दिमाग। तो वो कैसे करके होगा, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जब आपको अप्रोच आएगी, वाला क्वेश्चन मेरे हिसाब से कर लोगे उसका जो आंसर होगा वो आपका मेरे हिसाब से ये वाला है, इसका आंसर 1/ कौन सा है 6 था ना, ये आपका 1/√2 है शायद, ठीक है चेकआउट कर लेना, मेरे हिसाब से ये वाला आंसर है इसका। अब देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे करके होगा, सेम वही कॉन्सेप्ट जो मैंने तुम्हें पिछली बार भी बताया था। अब तुम बोलोगे भैया आपने तो कोई नहीं बताया, अरे मैंने तुम लोगों को ये तो बताया था ना यार, टैन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कॉट 90 - थीटा बताया था। तुम बोलोगे भैया ये तो मैंने 9th में पढ़ा है 10th में पढ़ा है, बस यही तो लगना था यहाँ पर, क्या यहाँ पर टेन है यहाँ पर कॉट है, क्या आ जाएगा टेन पाई कॉस थीटा, इसको क्या लिख सकता हूं टेन 90 - पाई साइन थीटा। जैसे ये लिखा यहां भी टेन कंपेयर कर दो, पाई कॉस थीटा इक्वल्स टू 90 - पाई साइन थीटा, ये वाला इधर चले जाएगा, पाई यहां पर से कॉमन ले लेना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू पाई बाई टू, पाई से कट गया आपका पाई, कट गया खत्म, क्या खत्म, ये आपका आ गया। अब तुम बोलोगे भैया इसका क्या करूं, ये तो आ गया इसका क्या करूं। अब मैंने तुमको पिछली बार एक और क्वेश्चन बताया था, कौन सा वाला, जब आप लोगों की ऐसे एक फॉर्म नहीं था कि साइन थीटा आ जाता है प्लस
यहाँ पर रूट थ्री कॉस थीटा आ जाता है, तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर भी टू से मल्टीप्लाई करवाते थे, यहाँ पर भी टू से मल्टीप्लाई करवाते थे। क्यों करवाते थे? ताकि हमारा फॉर्मूला बन जाए, ये हमारा कॉस 60 बन जाए, ये हमारा साइन 60 बन जाए। तो साइन 60 और कॉस 60 क्या हो जाता था हमारा, साइन 60 प्लस थीटा हो जाता था, हो जाता था। याद आ गया? नहीं आया याद तो वो वीडियोस देख लो वापस। तो यही तो कॉन्सेप्ट यहां पर भी लगना था। तुम लोग बोलोगे भैया कैसे, पूछा क्या भाई उसने, उसने तुमसे पूछा साइन थीटा प्लस पाई बाय फोर। आगे क्वेश्चन बता रहा है कि भाई ये आ गया तुम्हारा एक बार, तुमने बोला हाँ आ गया। अब इसके बाद ये करो, आपका पाई बाय फोर आ गया, पाई बाय फोर कैसे क्या आता है, पाई बाय फोर पे वैल्यू क्या होती है, जैसे यहां पर क्या थी, रूट थ्री बाय टू साइन की 60 होती है, 1 बाय टू कॉस की 60 होती है, तो 45 किसका होता है, जब आप लोग इसको 1 बाय रूट टू से मल्टीप्लाई करवा दोगे सब जगह, बन गया। देखो कॉस 42, कॉस 45, ये भी कॉस 45, ये साइन 45, बन गया फिर से साइन के टर्म्स में, साइन 45 प्लस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 रूट टू। अब तुम्हारा आ गया, आ गया, आ गया साइन 45 प्लस थीटा का, साइन 45 प्लस थीटा का, इसका स्क्वायर कर देना, तो आपका क्या आ गया, 8 साइन स्क्वायर 45 प्लस थीटा इक्वल्स टू 8। अब यहां पर इसका स्क्वायर कर देना, स्क्वायर करोगे 8 आ जाएगा, कट के आंसर वन आ जाएगा, सी आ गया आंसर। क्वेश्चन ने कैसे करके बताया, ये सिंपल कॉन्सेप्ट लग रहा था, यही लगता है, उसके बाद यहां से तुमको देखना था क्वेश्चन, आपका ये क्यों लगा, क्योंकि आपका यहाँ पर 45 की रिक्वायरमेंट थी, इसीलिए 1 अपॉन रूट 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, बस और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। जिसने ये पकड़ लिया क्वेश्चन बन जाएगा, जिसने नहीं पकड़ा वही फंस जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना है यार, और यही चीज हम लोग अपने बैच में भी बता रहे होते हैं कि आप लोगों को कहां से कैसे क्वेश्चन से सोचना है कि आपका आंसर क्या आएगा। बहुत बार क्वेश्चन बताता है, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है तुम्हें देखने से इतना बड़ा सा लग रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैसे सिंपल क्वेश्चन है, हम लोगों को पता है, ये हमको दिखे तो कॉस 45 इंटू कॉस 45 कह रहा हूं, ये पाई बाय 5 और ये 2 पाई बाय 5। अब कभी भी तुम्हारा ऐसे रहे क्वेश्चन आ गया, याद रखना कि आप लोगों का जो क्यू की वैल्यू होगी ना, ये भी एग्जैक्ट इसी के और माइनस साइन मारी होगी। एक और बार एक क्वेश्चन आया था शायद से एनडीए 2 में लास्ट टाइम, तो यहां पर क्या हो जाएगा, क्या मैं इसको जो ये वाला है मेरा, क्या मैं इसको कॉस पाई माइनस पाई बाय फाइव नहीं लिख सकता क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। अब ये मेरा कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है भाई, मुझे पता है ये मेरा जीरो होता है, ये पाई होता है, ये जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। एस फॉर साइन, एस फॉर सेकंड, तो आपका ये कॉस क्या होता है, फोर्थ में आता है, तो ये नेगेटिव का होगा, आ गया माइनस का, पाई दिख गया, कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन माइनस का आएगा पाई बाय फाइव, आ गया। अब ये वाले को अगर मैं देखता हूं, जो ये दूसरा है मेरा, ये दूसरे वाले को कैसे लिख सकता हूं, कॉस 2 पाई माइनस का 2 पाई बाय 5 इक्वल्स टू कौन से क्वाड्रेंट है मुझे पता है, यहां पर मेरा फिर से 2 पाई आ जाता है, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, सारे के सारे ऑड पाई इधर, इवन पाई इधर, तो आप लोगों का इवन आ गया। अब इवन पाई में से कुछ ना कुछ माइनस करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कॉस का पॉजिटिव, तो कॉस 2 पाई बाय 5 आ गया, यहां पर आ गया माइनस का कॉस पाई बाय 5। तुम तो बोलोगे प्लस का है, अरे ये तो माइनस का है ना, हो गया ये पूरा कट जाएगा, आंसर क्या आ गया, सी समझ रहे हो, ये आ गया आंसर आपका। तो ऐसे रहे क्वेश्चन होंगे सेम, ये p इंटू क्यू। अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, हमने ये निकाल लिया है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा कॉस पाई बाय 5, दो बार आर था स्क्वायर, एक माइनस का आर था, इसलिए यहां पर ये आ गया, ये भी आपका स्क्वायर हो गया। अब देखो मैं क्या लिख सकता हूं, पाई मेरे को पता है 180 है, डिवाइडेड बाय 5 करोगे 36 आ गया, इसको करोगे 72 आ जाएगा, करके देख लेना। अब मैंने तुम लोगों को फर्स्ट में एक चीज बताई थी, मैंने तुम लोगों को एक स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी, आप लोगों को वैल्यूज याद करनी है, क्या आ गया 72 का, चलो ये तो कॉस है साइन है, यहां पर आ गया, यहां पर लिखा ही नहीं है क्या, चलो कोई ना 72 इसकी 72 की भी याद कर लिया, 72 की क्या होती है वैल्यू, कॉस 36 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी
अंडर रूट 5 बाय प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। कॉस 72 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी अंडर रूट 5 माइनस का 1 4, जो आपकी साइन 18 की होती है। साइन 18 की भी यही होती है, ये लिख रखा है फर्स्ट में, तो ध्यान में रखना। और ये देखो कॉस की लिखा है, दोनों का लिख रखा, खत्म। आपको अगर इसकी वैल्यू पता है आपका काम ही खत्म हो गया, यहां पर वैल्यू बोलना, पुट, आंसर आ जाएगा। देख लेना जो भी आंसर आएगा, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा इसका माइनस का 1/16। करके देख लेना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। अगला ये वाला क्वेश्चन, अब तुम बोल रहे हो भैया ये फिर से आ गया टफ, जैसे ऐसा क्वेश्चन दिखे ना इसे नीचे डालो, काम बन गया। अब तुम बोलोगे भैया वैल्यू पुटिंग, यार देखो वैल्यू पुटिंग ना यहाँ पर आपको सेटिस्फाई करेगा नहीं, वैल्यू पुटिंग आपका सेटिस्फाई करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप वैल्यू पुटिंग एक बार यहां तो करवा लोगे, पर जब इसकी बारी आएगी ना, इसकी बारी में आप नहीं करवा पाओगे, तो थोड़ा सा यहां पर आपकी दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए बोल रहा हूं। तो ये वाले को कैसे अरे कर सकते हैं, साइन एक्स प्लस साइन वाई। अब एक काम करते हैं, ये एक्स है ये वाई है, तो इसको भी इसी फॉर्म में कर देते हैं, तो एक माइनस यहां पर बाहर ले लेंगे, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये आगे पीछे हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस का कॉस वाई। अब ये आ गया, अब जैसे ही ये आ गया मुझे पता है फॉर्मूले पता है ना, साइन ए प्लस साइन बी, टू साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू कॉस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई टू अपॉन टू माइनस का साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू। पूरा फॉर्मूले का खेल है, देख लो यार, पूरे का पूरा फॉर्मूले का खेल है भाई। अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री आपको करनी है, एक ही तरीका है कि लर्न फॉर्मूलास, देयर इज नो अदर वे कि आप लोग इसको कर लोगे। अब देखो बन गया है कॉट, कॉट बन गया, कॉट एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई टू इक्वल्स टू, ये भी माइनस ये भी माइनस, कट जाएगा रूट थ्री। अब क्या होगा, ये क्या होता है, कॉट की वैल्यू रूट थ्री कब होती है, सिक्स वो 30 में, तो हम लोग कर लेंगे कंपेयर, एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई टू इक्वल्स टू पाई बाई सिक्स, ये कटेगा थ्री से, आपका एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई थ्री यानी कि 60, ये कितना है 90, तो ये 90 है ये 60 है, अगर आप लोग करोगे तो ये कट जाएगा, यहां से कट जाएगा, तो 2x इक्वल्स टू कितना आ गया, 60 प्लस 90 कितना होता है 150, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 75। अब हमको पता है 75 आ गई, पढ़ा है ना, 75 प्लस y इक्वल्स टू 90, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 15, 75 और 15 काम ही खत्म। यहां पर साइन 3 इंटू एक्स यानी कि 3 इंटू 75 कितना हो जाएगा, साइन 225 प्लस साइन 15 75, देखो वापस आ गई। अब यही मैंने तुम लोगों को पिछली बार ही बोला था, मैंने कहा था वैल्यूज याद कर लेना। अब तुम बोलोगे भैया इसकी तो मेरे को पता नहीं, अरे यार क्यों रोते हो बार बार, क्या इसको मैं 180 प्लस 45 नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं, या आपका चेंज होगा नहीं होगा, लेकिन ये क्या होगा पाई, थर्ड क्वाड्रेंट में चलेगा, टी फॉर टैन टी फॉर थर्ड, आपका थर्ड क्वाड्रेंट में चलेगा, थर्ड में क्या साइन आपका पॉजिटिव होता है, बिल्कुल भी नहीं, तो क्या हो जाएगा नेगेटिव का आ जाएगा, नेगेटिव का साइन 45, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है माइनस का 1/√2। अब वैसे करके ये वाला करोगे तुमको इसकी वैल्यू पता है, वैल्यू पता है ना 75 की, अभी लिखाई थी उसमें लिख रखी है, कर लोगे ना आराम से कर लेना, तो ये चीज ये 45 हो गया, 75 नहीं है 45 है, तो वापस ये हो जाएगा कट जाएगा आंसर 0 आ गया। ये क्वेश्चन है, इस बार का क्वेश्चन है, अब बोलो टफ है कि नहीं है, बहुत टफ है भैया पेपर, मतलब हम लोगों की तो जान ही निकल गई थी, बस थोड़ा सा कैसे कैसे करके बचा के लाए हैं, ऐसे ही बोला होगा तुमने अपने जब मम्मी पापा को आए होंगे पेपर देके, भैया बस थोड़ा सा ही बचा था जान, ये पेपर है भाई। अब ये वाला तुमको x की वैल्यू पता है y की वैल्यू पता है, निकाल लोगे cos और इसकी वैल्यू निकाल लोगे ना, बस काम ही खत्म। अब ये आ जाता आपका लास्ट क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन क्या है, यहां पर ये सेकंड लास्ट है, यहां पर ये क्या बोलता है, द एंगल एबीसी, ये वाला तो मैं तुमको पहले ही बता रखा था, मैंने कहा था जैसे ही आपको एंगल देगा तुमसे ये साइड्स का रेशियो पूछा था, दो आपके ट्राइंगल के कुल फॉर्मूले साइन का कॉस का, जैसे ही आपको यहां पर
एंगल देख के साइड्स का पूछेगा, मेरे को सीधा सीधा पता है, साइन फॉर्मूला लगा दूंगा सीधा सीधा। तुम बोलोगे भैया यहाँ पर तो इसने रेशियो पूछा है ना। अरे तुम लोग ये बताओ, नाइन्थ क्लास में पढ़ा था ना एंगल्स एंड प्रॉपर्टी, कि ए प्लस बी प्लस सी, तो इसको क्या मान लो, 3x, 5x और 4x किसके बराबर होता है, 180। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री, कट के 15, 15 आ गया। 3x की वैल्यू कितनी आ गई, 3x की वैल्यू कितनी आ गई, 45, तो साइन 45। 5x की कितनी आ गई, 75, और c की वैल्यू कितनी आ गई, साइन 60। तो तुम लोगों को इसकी वैल्यूज भी बताऊंगी जब इतना सब कुछ पता है, तो 1/√2 ये हो गया। इसके अलावा यहां पर आपका हो गया √3 + 1/√2, और ये c वाले का क्या हो गया, √3/2। अब तुम्हें क्या करना है, यहां पर से तुम्हें इसका सीधा सीधा रेशियो लिख देना है। अब रेशियो लिख दोगे तो रेशियो में क्या आ जाएगा, 1/√2 ratio √3 + 1/√2, और इसमें तो प्लस करना है ना, तो प्लस कर लो, ये प्लस कर लो, और यहां पर 2 × √3/2। एलसीएम ले लेना, एलसीएम लोगे 2√2 आ जाएगा इसका एलसीएम, यहां पर 2 आएगा, यहां पर √3 + 1 आएगा, यहां पर लगाओगे 2√3 आ जाएगा। करके देख लेना, इतना तो आता ही होगा मेरे हिसाब से, कितना भी नहीं आता, इतना डब्बा गोल है तुम लोगों का, 3 + √3 / 2√2, 2 √2, ठीक है, ये हो गया। अब ये बताओ ये किसके बराबर है, 3 यहां से कॉमन लेना, तुम लोग बोले भैया अभी तो पता नहीं चल रहा, 3 कॉमन लो, 1 + √3, 1 + एक मिनट, 1 + √2। जरा मेरे को बताना, अभी भी हम लोगों ने ये किसके बराबर पढ़ा, कैसे पता चला मेरे को कि ऐसा करना है, अरे ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस बताएगा ना कुछ, कह रहा है भैया 3a 2b 3b 2c, मेरे को ये किसके बराबर दिख रहा है, दिख रहा है b के बराबर, खत्म, 3b आंसर, कौन सा है आंसर, c वाला। ऐसे करके आपके क्वेश्चंस, और एक लास्ट क्वेश्चन जो इस बार का था वो क्या था, ये वाला क्वेश्चन। ये वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, ए की आपको वैल्यू पता है, बी की आपको वैल्यू पता है, सी की आपको वैल्यू पता है, निकाल लोगे आंसर, हमने निकाल लिया भी सबका, आराम से निकाल लोगे रेशियोज का, निकाल लोगे ना, काम खत्म हो जाएगा। तो विद दिस, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे पीएमसी एंड प्रोबेबिलिटी का, और मेक श्योर करना कि आप लोगों को 20 नवंबर से पहले वो वाले जरूर से बैच परचेज कर लो, ताकि आप लोगों को मिनिमम कॉस्ट में वो मिल जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम अननेसेसरी, जिसको पता लग चुका है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिसको इसके बाद पता चलेगा, बट तुम्हें अगर पता लग चुका है ना, जरूर से इसमें एनरोल करा लेना, क्योंकि अब इंस्टॉलमेंट का भी ऑप्शन है, और तुम लोगों का एनडीए 1/2024 अक्सर बच्चों का जो 12th वाले के बाद होता है ना एग्जैक्ट, उसमें हम लोग सोचते हैं छोड़ना, अगली बार कर लेंगे, बट बिलीव मी, इफ यू क्रैक दिस यू विल गेट अ लॉट ऑफ टाइम फॉर SSB, और SSB के लिए तुम्हें पता ही है, मैं ऑलरेडी तुम लोगों को टेलीग्राम चैनल पे आर्टिकल स्टार्ट प्रोवाइड करता जा रहा हूँ, तो वो वाले का भी जरूर से ध्यान में रखना, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।